अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। के सेलुलर रिस्पायरेशन में जो कंप्लीट सेलुलर रिस्पायरेशन है, जो एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन है, जिसमें चार स्टेप्स आती है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इस कंप्लीट साइकिल में हमारे साथ टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं, टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम इसकी कैलकुलेशन करें कि हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में एटीपीज की हाउ मच नंबर ऑफ एटीपीज, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड। सो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है इन कंप्लीट सेलुलर रिस्पायरेशन। सो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि एनर्जी हमारे साथ तीन फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान। एक एटीपी की शक्ल में, एक एटीपी दूसरा एनएडीएच2 और थर्ड एटीपीएच2 की शक्ल में प्रोड्यूस होती है। सो याद रखना चाहिए कि जो एटीपी है ये तो हमारे साथ फाइनली एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो एनएडीएच है और एटीपीएच2 है, ये दोनों जो के है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसके ऑक्सीडेशन के दौरान चाहे NADH है या FADH2 है, इसके ऑक्सीडेशन के दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इससे ATP प्रोड्यूस होती है। सो NADH की जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, सो वन NADH जो के है ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है। इसी तरह FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इट प्रोड्यूस 2 ATPs। तो आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ पर आपको दो बातें क्लियर करनी चाहिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वन इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड द फॉर्म ऑफ NADH एंड इन द फॉर्म ऑफ FADH2। सो ATP तो हमारे साथ प्रोड्यूस होती है, इसके बाद हमारे साथ मतलब फाइनल और कोई प्रोडक्ट है नहीं, मतलब हमारा फाइनल जो टारगेट है पूरी सेलुलर रिस्पायरेशन का जो मेन पर्पस है वो है ATP की प्रोडक्शन। सो ATP तो हमारे साथ फाइनली वो प्रोडक्ट है जो हम हासिल करना चाहते हैं। NADH2 और FADH2, NADH और FADH2 की हमारे साथ क्या होती है, सो फर्दर इन दोनों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और इसके ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे साथ ATP प्रोड्यूस होती है। तो NADH, वन इन टू NADH मॉलिक्यूल, दूसरे पॉइंट ये याद रखना चाहिए आप लोगों को कि वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड FADH2 प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल हमें देती है। तो ये पहला पॉइंट था सेलुलर रिस्पायरेशन में कि एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और वो फॉर्म फिर हमें कितनी ATP प्रोवाइड करती है। तो ये तीन फॉर्म्स है जिसकी शक्ल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये होते हैं, तो दिस इज दी 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसकी शक्ल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ATP, NADH एंड FADH। सो ATP जो के है, ATP ये तो हमारे साथ फाइनल प्रोडक्ट है जो ATP की शक्ल में प्रोड्यूस होती है, मतलब इसके बाद की चीज़ है नहीं मतलब। लेकिन ये जो दो है NADH2 और FADH2 जो आपको नज़र आ रहे हैं, NADH और FADH2, ये दोनों प्रोटीन हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर ATPs प्रोवाइड करती है। सो NADH जो के है, NADH ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो के है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है, तो वन NADH मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूस 3 ATP मॉलिक्यूल्स। और इस तरह FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है FADH2 मॉलिक्यूल, सो वन FADH2 मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस
टू नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, इन दो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि पूरी सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और हर फॉर्म फेयर फर्दर ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कितने नंबर ऑफ एटीपीज हमें प्रोड्यूस कर दिए, ये बात तो इसमें क्लियर हो गया। अब हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी एनएडीएच2 प्रोड्यूस, हाउ मेनी एटीपीएच2 प्रोड्यूस इन सेलुलर रिस्पायरेशन, फिर टोटल और नेट एटीपी मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होती है। तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का अलग हम पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फिर लेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे, फिर तीनों की हम मतलब कैलकुलेशन करेंगे, सारे एटीपीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ टोटल एंड नेट एटीपीज आएगा। सो पहले हम जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाते हैं, ये आपको ग्लाइकोलाइसिस जो कि है सामने ग्लाइकोलाइसिस है। सो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कितने नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट जो कि है ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी जो प्रोड्यूस होती है ये फोर एटीपी है टोटल। एक स्टेप नंबर सिक्स का और एक स्टेप नंबर नाइन में एक एक एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था। सो टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि आफ्टर ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट फॉर्मेशन हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का, और हमारे साथ ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बनते थे। सो फिर इसके बाद जितने भी मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन है इट अकर्स इन डुप्लीकेट। सो हमारे साथ एक साइकिल में दो एटीपीज लेकिन टोटल चार एटीपीज बनते हैं क्योंकि द प्रोसेस अकर्स इन डुप्लीकेट। सो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है वो चार एटीपीज, फोर एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। एनएडीएच कितने प्रोड्यूस होते थे, एनएडीएच दो एनएडीएच प्रोड्यूस होते थे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। जब ग्लाइसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट की हमारे साथ क्या होती थी, ऑक्सीडेशन हो जाती थी, तो फिर इसके रिजल्ट में दो एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। अब एपीडीएच टू यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस में कोई एपीडीएच टू प्रोड्यूस नहीं होता है। सो एनर्जी विच इज प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एज इन द फॉर्म ऑफ टू एज इन द टू फॉर्म्स, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन टू फॉर्म, वन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सेकंड इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स, फोर एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस का जो मैंने वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर तैयार किया उसको आपको देखना होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। सो एटीपी की यहाँ पर तो बात खत्म हो गई, मतलब एनएडीएच जो कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो हमने कहा था कि यहाँ पर हमने कहा था कि एनएडीएच वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्री एटीपी मॉलिक्यूल है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में इसकी जो केस ये थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में वन एनएडीएच जो कि है ये हमारे साथ टू एटीपी मॉलिक्यूल देता है। नॉर्मली वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूसेस थ्री एटीपी मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर वन एनएडीएच मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टू एटीपी मॉलिक्यूल देता है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर होता है माइटोकांड्रिया में। मतलब यहाँ पर जो एनएडीएच साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये एटीपीज प्रोड्यूस करे, इसको जाना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर या शिफ्ट होना पड़ेगा माइटोकांड्रिया में। सो यहाँ पर जब ये माइटोकांड्रिया की तरफ जाता है, यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकांड्रिया में एंटर हो जाता है, तो ये तकरीबन 1 एटीपी के बराबर एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, सो ये 3 एटीपी नहीं बल्कि इसके हम 2 एटीपी हम
काउंट करते हैं। सो वन एनएडीएच टू एटीपीज प्रोड्यूस करता है, तो दो एनएडीएच जो के हैं, दो एनएडीएच मॉलिक्यूल कितने एटीपीज प्रोड्यूस करेंगे, 4 एटीपीज। और एक एटीपीज टू तो प्रोड्यूस ही नहीं होते, सो हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपीज कितने आ गए, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपीज कितने आ गए, सो 4 ये हो गए, और 4 एटीपी मॉलिक्यूल जो के है ये एनएडीएच से आ गए। सो 4 + 4 टोटल 8 एटीपीज आ गए ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन नेट कितने, नेट 6 एटीपीज हैं। और नेट 6 एटीपीज क्यों हो गए, ये 2 एटीपीज क्यों इससे मतलब सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 एटीपीज क्यों कम हो गए, बिकॉज इन द स्टार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टेप नंबर 1 में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता वहाँ पर 1 एटीपी कंज्यूम हुई थी, फिर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ दोबारा एटीपी यहाँ पर एक कंज्यूम हो गई थी और फ्रक्टोज 1-6 बेस फॉस्फेट बनता था। सो इन ग्लाइकोलाइसिस के स्टार्ट में 2 एटीपी कंज्यूम हुए थे, सो टोटल से हमने वो 2 एटीपी हमने सब्ट्रैक्ट किए माइनस के, सो तो नेट जो एटीपीज है वो 6 एटीपीज है, टोटल 8, लेकिन चूंकि स्टार्ट में 2 एटीपीज कंज्यूम हो रहे थे इसलिए नेट 6 एटीपीज प्रोड्यूस हुए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं लेंथ रिएक्शन की तरफ, लेकिन यहाँ आपको ये चीज याद रखना होगा, टोटल एंड नेट एटीपीज एंड ग्लाइकोलाइसिस, ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरह आता है, तो ये पूरा जो के है ये मैंने आपको बयान किया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं लेंथ रिएक्शन की तरफ, लेंथ रिएक्शन में क्या होता है, ये है लेंथ रिएक्शन। सो लेंथ रिएक्शन में नॉन एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया, मतलब नो एटीपीज प्रोड्यूस एंड लेंथ रिएक्शन, नॉन एपीडीएच टू प्रोड्यूस होता है, ओनली द एनर्जी प्रोड्यूस एंड लेंथ रिएक्शन। लेंथ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, लेंथ रिएक्शन और रिएक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन का, जिसमें जो पाइरूवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है इसी टाइल को एन, और इसी टाइल को एन क्यों, क्योंकि क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है वो इसी टाइल को एच स्टार्ट हो जाता है। सो लेंथ रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को लिंक कर रहा है क्रेब्स साइकिल से, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। सो इसी दौरान जब पाइरूवेट या पाइरूवेटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इसी टाइल को एन में, इस दौरान भी हमारे साथ थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच, और क्योंकि एक खास माइटोकॉन्ड्रिया में आकर होता है इसलिए हमारे साथ यहाँ पर जो एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, सो ईच एनएडीएच एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूस 3 एटीपीज। सो चूंकि यहाँ पर 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस एंड लेंथ रिएक्शन एज 2, सो हमारे साथ ईच एनएडीएच 3 एटीपी देता है, तो 2 एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 6 एटीपीज हमें देंगे, ये 6 एटीपीज आपको नजर आ रहा है। सो हमारे साथ टोटल एटीपीज की तादाद कितनी हो गई, क्योंकि एटीपीज ही प्रोड्यूस नहीं होता है और एपीडीएच टू सिर्फ एपीडीएच टू भी प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, और वो 2 एनएडीएच लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, 1 एनएडीएच 3 एटीपी मॉलिक्यूल देते हैं, सो 2 एनएडीएच जो कि 6 एटीपीज हमें प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूस करेगा, सो टोटल 6 एटीपीज हो, क्योंकि यहाँ पर कोई एटीपी जो कि कंज्यूम नहीं होता है इसलिए टोटल भी 6 एटीपीज है और नेट भी 6 एटीपीज है। लेंथ रिएक्शन हो गया, यहाँ पर आपको ये जो कि याद करना होगा, ये बोलना नहीं है कि टोटल भी 6 एटीपीज है और नेट भी 6 एटीपीज है, ये दूसरा हो गया। अब थर्ड जो कि है हम आते हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ, तो क्रेब्स साइकिल का मैंने अलग वीडियो भी बनाया है कि क्रेब्स साइकिल जो कि है इसमें हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड, इसके एनर्जेटिक्स के बारे में मैंने अलग वीडियो भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम फिर इंक्लूड करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम टोटल एटीपीज की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो क्रेब्स साइकिल में जो कि है एक क्रेब्स साइकिल जो कि है इसलिए हमें 2 एटीपीज देता है, 6 एनएडीएच देता है एंड 2 एपीडीएच टू मॉलिक्यूल हमें दे देंगे, तो 2 एटीपीज तो हो गए। अब 6 एनएडीएच, अब 1 एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 एटीपीज हमें देता है, सो 6 एनएडीएच हमें कितने देंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18, यानी 18 एटीपी मॉलिक्यूल हमें देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब
थर्ड सेशन में दो एटीपीज़ की प्रोड्यूस होते हैं। एक एटीपीज़ की मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में दो एटीपी मॉलिक्यूल देते हैं। सो दो एटीपीज़ की वो मॉलिक्यूल जो कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में फोर एटीपी हमें ये देंगे। सो दो एटीपीज़ तो थर्ड सेशन में प्रोड्यूस होते हैं, 18 एटीपीज़ एनएडीएच से प्रोड्यूस होंगे और 4 एटीपीज़ एटीएडीएच2 से प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर टोटल एटीपीज़ कितने प्रोड्यूस होते हैं, इन एटीपीज़ को सारे एटीपीज़ को कैलकुलेट करें सॉरी ऐड करें। सो दो टू एटीपी प्लस 18 प्लस 4, सो टोटल बन गया 24 एटीपीज़ है। टोटल भी 24 एटीपीज़ है और हैं 24 है। यहाँ पर भी कोई एटीपीज़ जो कि कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई एटीपीज़ से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। टोटल भी 24 है और नेट भी 24 है। ये तो क्रिप साइकिल का पार्ट हो गया। अब हम सारे को ऐड करते हैं, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस में देते हैं टोटल एटीपी और नेट है, जो लिंक में थे और जो क्रिप साइकिल में थे। सो पहले हम आते हैं टोटल की तरफ कि टोटल एटीपी हमारे साथ कितने प्रोड्यूस होते हैं। अब हम आते हैं टोटल की तरफ। आप याद रखिए कि टोटल एक कंप्लीट जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ये पूरी क्रेब्स साइकिल सॉरी ग्लाइकोलाइसिस लेंथ फंक्शन और क्रेब्स साइकिल से ये इसको पास होना पड़ता है, या वन कंप्लीट फुल रिस्पायरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गिव्स अस टोटल ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। 38 एटीपी मॉलिक्यूल हमें देता है। अब ये टोटल 38 कहाँ से आ गया, थोड़ा सा हम इसको वापस आते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल और लेंथ रिएक्शन की तरफ। और तो अगर आपको पता हो पहले हमने डिस्कस किया था ये ग्लाइकोलाइसिस है, टोटल कितने ग्लाइकोलाइसिस में थे 8। अब 8 को याद रखना है। फिर हमने लेंथ रिएक्शन किया था, तो लेंथ रिएक्शन में टोटल कितने 6। तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 थे, लेंथ रिएक्शन में 6, तो 8 प्लस 6 कितने हो गए 14 हो गए। अब क्रेब्स साइकिल में 24 है, तो 24 ये है और 14 पहले थे, यानी 8 ग्लाइकोलाइसिस में 6 लेंथ में और 24 क्रेब्स साइकिल में हो गए। सो 8 6 और 24 ये हम टोटल की बात करते हैं, ये कितने हो गए, ये बनते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ये हमारे साथ 38 मॉलिक्यूल बन गए, तो टोटल आता है 38 मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हो 38 टोटल हमारे साथ बन गए, लेकिन नेट कितने बनते हैं, जाहिर बात है कि बाकी सारे में टोटल भी सेम था, नेट भी सेम था, सिवाय ग्लाइकोलाइसिस के, तो वहाँ पर 8 नंबर ऑफ 8 एटीपी मॉलिक्यूल जो कि 8 एटीपी मॉलिक्यूल टोटल थे और नेट 6 थे, तो बाकी कहीं पर हमारे साथ एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल से दो एटीपी मॉलिक्यूल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने डिस्कस किया था। सो नेट हमारे साथ कितने आते 36 आ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल एटीपी मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो टोटल एटीपी 38 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन नेट जो कि ये 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था टोटल एटीपी मॉलिक्यूल, कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इससे आपको तीन चीज़ें क्लियर हो गए, यहाँ पर हमने तीन चीज़ें क्लियर की। एक ये कि सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो इसका आंसर किया था कि एक एटीपी, एक एनएडीएच और एक एटीडीएच की शक्ल में प्रोड्यूस होता है। दूसरा भाग यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एनएडीएच और एटीडीएच का एक एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। फिर तब हमने ग्लाइकोलाइसिस का अलग पढ़ा, क्रेब्स साइकिल का अलग पढ़ा और लिंक रिएक्शन का अलग पढ़ा, और लास्ट में इसको हमने टोटल किया। सो टोटल 38 और नेट जो कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल हमारे साथ है। सो थैंक यू।